इस कहानी की शुरुआत में हमें हाल ही में जन्मे जिमी नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जिसे बबल जैसे प्लास्टिक के डो में रखा हुआ होता है, क्योंकि जिमी बिना इम्यूनिटी पावर के पैदा होता है, जिस वजह से एक छोटा सा कीटाणु या बैक्टीरिया भी उसकी जान ले सकता है, इसीलिए उसे बबल में रखा हुआ होता है। जिमी अब 4 साल का हो गया है, जिसे उसके मॉम डैड कैलिफोर्निया में अपने घर ले आते हैं। जिमी के मॉम डैड का नाम लिविंगस्टन और मॉर्टन होता है। जिमी के घर के पास बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं और जिमी के ऊपर बॉल को फेंकते हैं, मगर जिमी की मॉम उस बॉल को पकड़कर फोड़ देती है। ये देख बच्चे बहुत दुखी होते हैं। फिर जल्दी से लिविंगस्टन और मॉर्टन जिमी को अपने घर के अंदर ले आते हैं, क्योंकि वो बाहर सेफ नहीं था। जिमी अपने घर को देखकर बहुत शॉक्ड होता है, क्योंकि उसका घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। जिमी के लिए लिवी ने उसके रूम को प्लास्टिक बॉल से कवर कर रखा होता है, ताकि कोई कीटाणु या बैक्टीरिया उसे नुकसान न पहुंचा सके। वहाँ जिमी की सभी जरूरत की चीजें मौजूद होती है, खेलने के लिए खिलौने होते हैं, सोने के लिए बेड होता है। यह देख जिमी को बहुत खुशी होती है। फिर जिमी को उसकी मॉम एक किताब पढ़कर सुना रही होती है, जिसमें वो बताती है कि तुम दुनिया में सबसे अलग हो और ये बबल रेप तुम्हें सबसे बचाएगा। जिमी अब 12 साल का हो गया है, जहाँ जिमी की मॉम उसके सभी काम करती है। फिर वो अपनी मॉम के साथ टीवी शो देख रहा होता है। वो अपनी मॉम से बोलता है कि टीवी में और चैनल होने चाहिए, और वो अपनी मॉम को दुनिया की सबसे अच्छी टीचर मानता है, क्योंकि उसे सब कुछ उसकी मॉम ने सिखाया था। फिर अगले दिन उसकी मॉम उसे पढ़ना सिखा रही होती है, जिसे जिमी सही से याद कर रहा था। जिमी को लिवी A+ ग्रेड देती है। अगले दिन जिमी अपने रूम के बाहर खेल रहा होता है, जहाँ आसपास के बच्चे उसे बबल बॉय बोलकर चिढ़ा रहे होते हैं। तभी लिवी उन बच्चों पर पानी फेंक कर भगा देती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो 16 का हो चुका है और वो इस सोच में होता है कि उसे अभी तक कार क्यों नहीं मिली। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिमी गिटार बजाते हुए सॉन्ग गा रहा होता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। तभी जिमी अपने घर के बाहर देखता है, जहाँ उसके नए पड़ोसी आते हैं, जिसमें एक लड़की भी होती है, जिसका नाम चलोई होता है। जिमी को पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। फिर हमें अगले 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिमी चलोई को देख रहा होता है। वो अपनी कार को वॉश कर रही थी, तभी चलोई उसे देखती है, मगर जिमी विंडो की सफाई करने का नाटक करने लगता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चलोई अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आती है, जहाँ उसके फ्रेंड उसे बोलते हैं कि तुम्हारे पड़ोस में एक बबल बॉय रहता है, जो हमेशा अपने घर में ही रहता है और कुछ भी नहीं करता। मुझे तो लगता है कि वो इंसान नहीं बल्कि कोई एलियन है। ये सुनकर चलोई को गुस्सा आता है और उन्हें कहती है कि तुम पागल हो, तुम्हें किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जिमी में बिल्कुल भी इम्यूनिटी पावर नहीं होती और उसके लिए एक कीटाणु भी बहुत डेंजर हो सकता है, इसीलिए उसकी मॉम उसका बहुत ख्याल रखती है। फिर चलोई जिमी से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है, मगर वो घर के अंदर चारों तरफ प्लास्टिक ट्यूब देखती है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वह जिमी के रूम में ऊपर जाती है, जहाँ जिमी चलोई को देख हैरान हो जाता है। फिर वो दोनों बहुत हंसी मजाक कर रहे होते हैं और अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। चलोई फिर वहाँ से चली जाती है और उसकी मॉम चलोई के आने की वजह से ट्यूब की सफाई करती है, मगर जिमी बार बार चलोई के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसे चलोई से प्यार हो गया था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिमी चलोई को गिटार बजाना सिखा रहा होता है और वो दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे। जिमी भी बहुत खुश होता है। रात को जिमी अपने रूम में होता है, तभी चलोई उसके पास आती है उसे बर्थडे विश करने, मगर वो नशे में होती है, इसीलिए जिमी से कहती है कि मैं बर्थडे गिफ्ट में तुम्हें किस देना चाहती हूँ और मैं अंदर आ रही हूँ, मगर जिमी उसे मना करता है। लेकिन चलोई ट्यूब के अंदर आने की कोशिश करती है और नशे में होने की वजह से वही सो जाती है। फिर हमें 2 से 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चलोई जिमी को अपने होने वाले हस्बैंड से मिलवाती है, जिसका नाम मार्क होता है और वो बहुत बड़ा सिंगर होता है। चलोई उसे कहती है कि आज हम दोनों डिनर पर जा रहे हैं। ये सुनकर जिमी को बहुत दुख होता है, क्योंकि जिमी चलोई से प्यार करता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिमी को उसकी मॉम बता रही होती है कि चलोई तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारी बीमारी की वजह से दुखी होती है। फिर हम अगले दिन देखते हैं, जहाँ जिमी अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ चलोई आती है। तो जिमी उसे पूछता है कि तुम कहीं जा रही हो, तो चलोई उसे हाँ बताती है कि मेरी शादी फिक्स हो गई और हम सैटरडे को नायग्रा फॉल्स में शादी करेंगे। ये सुनकर जिमी बहुत दुखी होता है। तब चलोई उसके लिए एक गिफ्ट लाती है, जो उसने जिमी के लिए बनाया था, मगर जिमी गुस्सा था, इसीलिए चलोई को गिफ्ट ट्यूब के अंदर ही रखकर बाय बोलकर चली जाती है। जिमी चलोई के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रहा था, वही चलोई भी जिमी के बारे में सोच रही थी। जिमी चलोई का गिफ्ट ले लेता है और जब उसे खोलकर देखता है, तो उसमें एक लव शोपीस होता है, जिसमें एक बॉय और एक गर्ल होती है। तब जिमी
भी समझ जाता है कि चलोई भी उसे पसंद करती है और वो बहुत खुश होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमी अपने लिए एक बबल सूट बनाता है और बोलता है कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है और मुझे नायग्रा फॉल्स जाना है चलोई की शादी रुकवाने। फिर वो अपने सूट की मदद से अपने घर से बाहर निकल जाता है और वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो चल और दौड़ पा रहा था। जिमी एक बस स्टॉप पर पहुँचता है और टिकट लेने के लिए टिकट विंडो पर आकर कहता है कि मुझे नायग्रा फॉल्स जाना है, उसके लिए बस कहाँ से मिलेगी। तब वो आदमी उसे बताता है कि उसके लिए तुम्हें $260 देने होंगे। तो जिमी उसे कहता है कि मेरे पास $260 तो नहीं है। तो आदमी उसे गुस्से में सड़क के बीचों बीच जाने कहता है कि तुम कोई बस में चढ़ो या फिर कोई बस तुम पर। तो जिमी ये सुनकर नर्वस हो जाता है। तभी जिमी को एक बस टक्कर मार देती है जिससे जिमी गिर जाता है, मगर उसके सूट की वजह से वो बच जाता है। फिर वो बस रुकती है और उसमें से स्टूडेंट उतरते हैं और वो जिमी के पास आकर कहते हैं कि तुम कौन हो और तुमने क्या पहन रखा है। तो जिमी उन्हें उसके बारे में बताता है कि मुझे नायग्रा फॉल्स जाना है क्योंकि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की शादी रुकवानी है और क्या तुम मुझे वहां तक लिफ्ट दे सकते हो। तब वो स्टूडेंट लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो जिमी को अपने साथ बस में ले लेते हैं। फिर बस में जिमी उनके साथ बहुत मजे करता है और बहुत खुश होता है क्योंकि अभी तक उसका कोई दोस्त नहीं था। वहीं फिर हमें जिमी की मॉम को दिखाया जाता है जहाँ जिमी के लिए नाश्ता लेकर आई होती है, मगर वो जिमी को उसके रूम में ना देखकर बहुत डर जाती है। फिर हमें जिमी को दिखाया जाता है जहाँ बस में एक लड़की से बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, जिससे वो लड़की गुस्सा हो जाती है और वो लड़की उसके साथियों से बोलती है कि ये बहुत बदतमीज है और मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। तब बस के लड़के जिमी को रेगिस्तान में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिमी की मॉम जिमी के लिए काफी परेशान होती है। फिर हमें जिमी को दिखाया जाता है जो बस के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है। तभी लिवी उस बस स्टॉप पर आती है और टिकट मैन से जिमी के बारे में पूछती है। तो टिकट मैन उन्हें बताता है कि उसे एक स्टूडेंट बस ले गई जो नायग्रा फॉल्स की तरफ जा रही थी। वहीं फिर जिमी आगे बढ़ रहा होता है तब उसे एक आदमी दिखता है जिसका नाम सलीम होता है जो अपनी बाइक को सही कर रहा था और जिमी को देख डर जाता है क्योंकि जिमी ने बबल सूट पहन रखा था, इसीलिए चाकू निकाल लेता है। जिमी उसे कहता है कि डरो मत, मैं इंसान ही हूँ और मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वहीं फिर हमें स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो एक जगह पर रुके होते हैं जहाँ प्रोफेसर गिल उन्हें पत्थर पर बनी हुई एक पुरानी पेंटिंग दिखाते हुए बताते हैं कि आदमी गॉड का अंतिम अवतार होगा। स्टूडेंट पेंटिंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने जिस इंसान को बस से उतारा था वो गॉड का आखिरी अवतार था, जिससे वो बहुत हैरान होते हैं। वहीं फिर हमें जिमी को दिखाया जाता है जो अपनी स्किल से उस बाइक को ठीक कर रहा होता है क्योंकि जिमी बहुत टैलेंटेड होता है। फिर सीनियर जिमी से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो जिमी उसे बताता है कि मुझे नायग्रा फॉल्स तक जाना है क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की शादी रुकवानी है। तो सीनियर उसे बताता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी एक लड़की से प्यार हो गया था। और सीनियर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है जिसका नाम उसने वेलफायर रखा था। फिर सीनियर जिमी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि जिमी ने उसकी बाइक को सही कर दिया था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमी सीनियर के साथ लॉस वेगस पहुँच जाता है जहाँ जिमी सीनियर के साथ बहुत मजे करता है और कैसीनो में गेम खेलता है और बहुत इंजॉय करता है क्योंकि उसने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा था। फिर हमें जिमी के मॉम डैड को दिखाया जाता है जो जिमी की तलाश कर रहे होते हैं। जिमी अपने दोस्त सलीम के साथ गेम खेल रहा होता है मगर वो उस गेम में हार जाता है। तो सलीम उसे बोलता है कि मैं कुछ कॉइन चोरी करके लाता हूँ, लेकिन जिमी उसे ऐसा करने से मना कर देता है मगर सलीम नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। तभी जिमी को एक स्कूटर दिखाई देता है जो किसी गेम में विनिंग मैन को मिलेगी, मगर जिमी उस स्कूटर को चुरा लेता है और कैसीनो से निकल जाता है। फिर हमें सलीम को दिखाया जाता है जो जिमी के बारे में सभी से पूछ रहा होता है। तभी वो स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं और सलीम से पूछते हैं कि हम खो गए, हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दीजिए। मगर सलीम समझ जाता है कि वही स्टूडेंट है जिन्होंने जिमी को रेगिस्तान में फेंक दिया था और सलीम उन पर चाकू से अटैक करने वाला होता है, मगर स्टूडेंट बस का गेट लगा देते हैं और बस का ड्राइवर बस को रिवर्स लेकर सलीम की बाइक को तोड़ देता है जिससे सलीम को बहुत गुस्सा आता है। वहीं फिर हमें जिमी के मॉम डैड को दिखाया जाता है जिन्हें जिमी नजर आ जाता है। जिमी भी उन्हें देख लेता है और डर जाता है, मगर जिमी के डैड कार नहीं रोकते तो जिमी की मॉम कार को इधर उधर करती है जिससे जिमी को टक्कर लग जाती है और वो एक ट्रेन के डिब्बे में जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जिमी ट्रेन के डिब्बे में होता है और उसके आसपास बड़े ही अजीब से इंसान होते हैं जिन्हें देखकर जिमी डर जाता है। फिर वो इंसान उसे बोलते हैं कि हम सर्कस में काम करते हैं और जिमी से बात करने लग जाते हैं। तभी
तभी ट्रेन रुक जाती है और ट्रेन का गेट खुल जाता है, जिससे जिमी ट्रेन से बाहर कूद जाता है। बाहर उसे एक बौना आदमी दिखता है जो सर्कस का मालिक होता है, जिसका नाम डॉक्टर फ्रीक है। तभी जिमी डॉक्टर फ्रीक का मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि डॉक्टर फ्रीक की हाइट बहुत कम होती है, जिससे डॉक्टर फ्रीक को जिमी पर बहुत गुस्सा आता है और जिमी को मारने लग जाते हैं, मगर जिमी को उसके बबल सूट की वजह से कुछ नहीं होता। तब डॉक्टर फ्रीक उस पर कूद जाते हैं, जिससे जिमी उन्हें फेंक देता है, जिससे वो दूर गिर कर बेहोश हो जाते हैं। जिमी वहाँ से निकल जाता है और आगे बढ़ने लगता है, मगर उसके पीछे वो सभी लोग भी आ रहे होते हैं जो सर्कस में काम करते हैं। जिमी उनसे कहता है कि अब तुम सब आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकते हो। ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। फिर हमें एक होटल को दिखाया जाता है जहाँ एक इंडियन खाना खा रहा होता है और कुछ लोग उसके कपड़े और उसकी पगड़ी का मजाक बना रहे थे। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है जो उन्हें ऐसा करने से मना करता। उन्हें कहता है कि इंडियाना कल्चर की ड्रेस है और इसका मजाक मत बनाओ, मगर उन्हें जिमी की बात पर गुस्सा आ जाता है और वो जिमी को कहते हैं कि तुमने क्या पहन रखा है। तो जिमी उन्हें बताता है कि बबल सूट है, इससे मैं सेफ हूँ, मगर वो जिमी से डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जिमी इन्फेक्टेड है और हमें इससे खतरा है, जिससे वहाँ के सब लोग बाहर भाग जाते हैं और जिमी को होटल में बंद कर देते हैं। होटल का गेट बंद होते ही वहाँ ऊपर रखे हुए एक लालटेन से आग लग जाती है और जिमी उस आग से अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि अगर आग से उसका सूट जल गया तो मर जाएगा। तभी वो इंडियन जिसका नाम पुष्प होता है वो होटल के पीछे गेट खोल देता है और जिमी को अपने साथ ले जाता है। वहीं फिर हमें जिमी के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जिन्हें वो ट्रेन दिखती है जिसमें जिमी गिर गया था, और वो डिब्बे का गेट खोलते हैं जिसमें डॉक्टर फ्रीक होते हैं। जिमी की मॉम उनसे जिमी के बारे में पूछती है तो उन्हें जिमी के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि आपको मुझे भी वहाँ लेकर जाना होगा, क्योंकि डॉक्टर फ्रीक जिमी से बदला लेना चाहता है। जिमी के मॉम डैड डॉक्टर फ्रीक की बात मान लेते हैं। फिर हमें जिमी को दिखाया जाता है जो पुष्प को अपनी बात बता रहा होता है कि मुझे नायग्रा फॉल्स जाना है। तो पुष्प उसे नायग्रा फॉल्स छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें चलोई और माँ को दिखाया जाता है, जिसके पास जिमी की मॉम का कॉल आता है और वो बोलती है कि जिमी घर से भाग गया, जिसकी जिम्मेदार तुम हो। ये सुनकर चलोई दुखी होती है। वहीं जिमी की मॉम बाहर देखती है कि सर्कस के लोगों ने उनकी कार को तोड़ दिया और उसे चुरा कर ले गए, जिससे वो बहुत परेशान होते हैं। फिर हमें जिमी को दिखाया जाता है जो सपना देख रहा होता है और उसे एक डायनासोर ने खा लिया था, जिससे वो बहुत तेज चिल्लाता है। तभी पुष्प भी डर जाता है और उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक गाय को टक्कर मार देता है। फिर वो बाहर आकर देखता है और बहुत रोता है। तो जिमी उसे कहता है कि ये सिर्फ एक गाय है, मगर पुष्प उसे बताता है कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक गाय है, मगर मेरे धर्म में गाय बहुत पवित्र है। तब पुष्प उस गाय की वही पूजा करने लग जाता है। फिर जिमी समझ जाता है कि पुष्प उसकी मदद नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें जिमी के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जहाँ जिमी की मॉम गौर से प्रेयर कर रही होती है कि उन्हें जिमी मिल जाए, और डॉक्टर फ्रीक अपनी कार को स्टार्ट कर रहे होते हैं। वहीं पुष्प गाय के पास ही बैठकर पूजा कर रहा होता है। तभी पुष्प देखता है कि एक ट्रक उसकी तरफ आ रहा है और वो गाय के ऊपर ट्रक को चढ़ाकर निकल जाता है, जिससे पुष्प को बहुत दुख होता है। फिर हमें सिलिम को दिखाया जाता है जो अपने साथियों के साथ जिमी की तलाश कर रहा होता है। फिर सिलिम पुष्प के पास रुकता है और उसे पूछता है कि तुम मरी हुई गाय के साथ क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर उन्हीं स्टूडेंट की बस आ जाती है और वो देखते हैं कि बाइक वाला इंसान हमारा पीछा कर रहा है, इसीलिए वो बस से उन सभी की बाइक को वापस से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे सिलिम और उसके साथियों को उस बस पर बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें चलोई को दिखाया जाता है जो अपने शादी की ड्रेस को पहनकर देख रही होती है और जिमी के बारे में सोच रही थी। वही जिमी एक सिटी में पहुंच जाता है जहां उसे एक टैक्सी दिखाई देती है। तो जिमी उस टैक्सी ड्राइवर से नायग्रा फॉल्स तक छोड़ने की बात बोलता है। तो टैक्सी ड्राइवर, जिसका नाम पप्पी होता है, वो उसे कहता है कि वहां तक के लिए $500 लगेंगे, मगर जिमी के पास $500 नहीं होते। तभी जिमी को एक बार दिखाई देता है और उस बार में चला जाता है और लोगों से $500 मांगने लगता है। तभी जिमी की वहाँ दो गर्ल्स से फाइट करा देते हैं, मगर जिमी अपने बबल सूट की मदद से उन गर्ल्स को हरा देता है और $500 जीत जाता है। फिर जिमी के मॉम और डैड डॉक्टर फ्री के साथ होते हैं, जो जिमी की तलाश कर रहे होते हैं। वही सिलिम और उसके साथी पुष्पी की गाड़ी चला रहे होते हैं, क्योंकि बस के स्टूडेंट ने उनकी बाइक को तोड़ दिया था। वही जिमी बाहर से बाहर आ रहा होता है। तभी वहाँ वो स्टूडेंट आ जाते हैं और वो जिमी से माफी मांगते हैं कि हम जान गए हैं कि आप कौन हैं। फिर वो जिमी को उठा लेते हैं और वहाँ से लेकर जा रहे होते हैं। वहीं सर्कस के लोग उन्हें ऐसा करता देख जिमी की मदद के लिए प्लान बना
नारायण होते हैं क्योंकि जिमी ने ही उन्हें डॉक्टर फ्रिक से आजाद करवाया था। फिर वह सर्कस के लोग जिमी को उन स्टूडेंट से आजाद कराने में लग जाते हैं, जिससे उन स्टूडेंट और सर्कस वालों में फाइट हो जाती है। फिर हमें चलो को दिखाया जाता है जो टीवी देख रही होती है। तब वह टीवी चैनल पर बबल की एड आ रही होती है, जिससे वह जिमी के बारे में सोच रही होती है और उसे मिस कर रही थी। वही सर्कस के लोग जिमी को लेकर जा रहे होते हैं, मगर तभी वहाँ पर सिलिम और उसके साथी आ जाते हैं और जिमी के लिए आपस में लड़ने लग जाते हैं। तभी जिमी बड़ी चालाकी से पप्पी को $500 देकर वहाँ से निकल जाता है और सभी लोग जिमी की तलाश करने लगते हैं। फिर अब अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिमी सोकर उठता है और पप्पी से पूछता है कि आपको नींद नहीं आती है क्या, मगर जिमी को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिलता क्योंकि पप्पी आंखें खोलकर सो रहे थे, जिससे जिमी डर जाता है और गाड़ी के ब्रेक दबा देता है। ब्रेक दबाने से जिमी एक बोर्ड को फाड़ता हुआ एक स्टोर के पास गिरता है, मगर उसके बबल सूट की वजह से वो बच जाता है। फिर उस स्टोर में जाकर चलोई को कॉल लगाता है, मगर उसका कॉल मार्क रिसीव करता है और वो पूछता है कि कौन बोल रहे हो। तो जिमी उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मैं चलोई से प्यार करता हूँ और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, मगर तभी मार्क उसे कहता है कि तुम पागल हो और तुम चलोई को खुश नहीं रख सकते क्योंकि तुम तो अपने बबल सूट से बाहर भी नहीं आ पाते। ये बात सुनकर जिमी बहुत उदास होता है और सोचता है कि मार्क से ही बोल रहा है। फिर जिमी डॉक्टर फ्री को कॉल करता है, मगर उसके कॉल को उसकी मॉम रिसीव करती है और जिमी से कहती है कि तुम वहीं रुको, हम थोड़ी देर में वहाँ आ जाएंगे। फिर जिमी की मॉम डॉक्टर फ्री को गाड़ी से फेंक देती है क्योंकि वो समझ गई थी कि डॉक्टर फ्री जिमी से बदला लेने वाला है। वहीं जिमी अपने मॉम डैड का वेट करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जिमी के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और उसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर जिमी की मॉम पास की शॉप पर चली जाती है। वहीं जिमी कार में बैठा होता है और बहुत दुखी होता है। तब उसके डैड उसे पूछते हैं कि तुम क्यों इतने उदास हो। तब जिमी उनको बताता है कि मैंने किसी लड़की को एक बार देखा था और मुझे उससे प्यार हो गया और मैं पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहता हूँ, मगर मॉम मुझे ऐसा नहीं करने देगी। ये सुनकर जिमी के डैड को जिमी पर तरस आ जाता है और वो कार का गेट खोल देते हैं। तभी जिमी की मॉम शॉप से बाहर आ जाती है और कार में जिमी को नहीं देखती और मार्टिन से जिमी के बारे में पूछती है, मगर मार्टिन हंस रहे होते हैं। लेवी को जिमी नजर आ जाता है, इसीलिए उसका पीछा करने लगती है, मगर तभी वहाँ पर वो स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो जिमी को गोट समझकर उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पप्पी एक प्लेन चुराकर ले आता है क्योंकि वो बच गया था। जिमी उस प्लेन में चढ़ जाता है। इतने में वहाँ सिलिम और उसके साथी भी आ जाते हैं जो सर्कस के लोगों से लड़ने लगते हैं। सिलिम अपनी कार से उन्हें टक्कर मारता है, मगर तभी सिलिम की नजर सामने पड़ती है क्योंकि उसके सामने से प्लेन आ रहा होता है, मगर तभी पप्पी उस प्लेन को फ्लाई करने लग जाता है और नायग्रा फॉल्स की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी मार्टिन की कार से सिलिम की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और जिमी की मॉम सिलिम की कार की विंडो पर आ जाती है। सिलिम उसे पहचान लेता है क्योंकि लीवी और कोई नहीं बल्कि वेल फायर होती है, जिससे वो प्यार करता था। वही हमें चलोई को दिखाया जाता है जो शादी के लिए चर्च में आती है। वही फिर हमें जिमी और पप्पी को दिखाया जाता है जो नायग्रा फॉल्स के ऊपर उड़ रहे होते हैं। तभी प्लेन का इंजन बंद हो जाता है और वो झरने से टकराने वाले होते हैं, मगर पप्पी प्लेन का इंजन स्टार्ट कर लेते हैं और प्लेन को एकदम सीधा उड़ाने लगते हैं, जिससे जिमी प्लेन से नीचे नायग्रा फॉल्स में गिर जाता है, मगर अपने बबल सूट की वजह से बच जाता है क्योंकि उसके बबल सूट में हवा भरी हुई होती है। फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चलोई और मार्क शादी की रस्मों को पूरी कर रहे होते हैं और एक दूसरे का साथ हमेशा देने का वादा करते हैं। तभी जिमी वहाँ जाता है। यह देखकर चलोई बहुत खुश होती है, मगर मार्क जिमी को वहाँ से जाने की बोलता है तो जिमी उसे चुप कर देता है। फिर जिमी चलोई के पास आता है और अपना बबल सूट उतार देता है। यह देखकर चलोई डर जाती है क्योंकि जिमी उस सूट के बाहर जीना नहीं रह सकता, मगर फिर भी जिमी चलोई को कहता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको एक किस कर सकता हूँ। तो चलोई उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों किस करते हैं, मगर तभी जिमी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसमें इम्यूनिटी पावर नहीं होती। तभी जिमी की मॉम भी वहाँ जाती है और बहुत रो रही होती है। चलोई भी रोने लग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जिमी मर गया। जिमी के सभी दोस्त भी वहाँ जाते हैं जो उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं और सब सोच रहे होते हैं कि जिमी अब मर चुका है। तभी जिमी के डैड जिमी की मॉम को बोलते हैं कि जिमी को बताओ कि वो मरा नहीं है। फिर जिमी की मॉम उसे बताती है, जिससे जिमी की आँख खुल जाती है और उसे कहती है कि जब तुम 4 साल के थे तब तुम्हें बिल्कुल भी इम्यूनिटी पावर नहीं थी, मगर जैसे जैसे तुम बड़े होते
गए तो मैं इम्यूनिटी पावर डेवलप होने लगी, मगर ये बात मैंने तुमसे छिपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे कहीं दूर जाओ। और वो जिमी से माफी मांगने लगती है। जिमी अपनी मॉम को माफ कर देता है और उन्हें गले लगा लेता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर जिमी चलोय के पास जाकर कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो चलोय उसे गले लगा लेती है। फिर जिमी और चलोय शादी कर लेते हैं और अब सभी लोग दोस्त बन जाते हैं जिनसे जिमी मिला था। सभी शादी को एंजॉय करते हैं। वहीं जिमी के मॉम और डैड सिनेम के साथ राइड पर निकल जाते हैं और जिमी और चलोय भी वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।